जय सियाराम का मतलब क्या है? जय सियाराम का मतलब जय सीता जय राम। मतलब क्या? सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सियाराम या जय सीताराम। मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े, सही। तो जब हम जय सियाराम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय सियाराम और हे राम क्यों नहीं करते? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, राम ने सबको इज्जत दी, भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। तीसरा नारा, शायद सबसे जरूरी नारा, वो सियाराम जय सियाराम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। अरे भाई, राम की शुरुआत श्री से ही होती है, और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास, रामायण, हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे, तो नेट पे देख लें, उसमें श्री का उल्लेख है। श्री राम कृष्ण और विष्णु जी के अवतार हैं, श्री लक्ष्मी जी के नाम के आगे लगता है, और इन्हीं नामों के आगे श्री इसीलिए लगाया जाता है। मुझे लगता है आपको उन्हीं पंडित ने ये बताया होगा, ये वाली बात जो आपने कल बोली है, जिन्होंने मंदिर का केक बना के माननीय कमलनाथ जी से कटवाया था।